नमस्कार छात्रों, आरके विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवार जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हमारा है आंग्ल पंजाब संघर्ष महाराजा रणजीत सिंह। तो छात्रों, महाराजा रणजीत सिंह के संदर्भ के अंदर आज हम जो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा साथ ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में जो अंग्रेजों तथा जो सिखों के मध्य जो युद्ध हुआ तो उनके बारे में हम जो चर्चा करेंगे। तो छात्रों, जो पंजाब का क्षेत्र था इस क्षेत्र पर 17वीं से 18वीं शताब्दी के अंदर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की था। विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के बाद में जो महाराजा रणजीत सिंह के बढ़ते प्रभाव को देखकर अंग्रेज चिंतित हुए तथा उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। और जब महाराजा रणजीत सिंह जब तक जीवित थे तब तक तो अंग्रेज उनके बढ़ते हुए प्रभाव को नहीं रोक पाए, परंतु जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद में जो अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके जो पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया। तो छात्रों, आज हम महाराजा रणजीत सिंह तथा और रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद में जो उनके उत्तराधिकारी बने तो उन उत्तराधिकारियों के बारे में आंग्ल सिख संघर्ष के बारे में हम जो चर्चा करेंगे। तो छात्रों, आंग्ल मतलब क्या है, अंग्रेज तथा पंजाब का मतलब क्या है, ये सिख साम्राज्य, पंजाब के अंदर कौन सा साम्राज्य था, सिखों का साम्राज्य था और सिखों के विशाल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, महाराजा रणजीत सिंह जी द्वारा ये की गई थी। तो छात्रों, तो हम देखते हैं इसके अंदर पंजाब की राजनीति में 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में छात्रों पंजाब की राजनीति में 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी सत्रहवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी में सिख शक्ति का उदय हुआ या पनपी उदय हुआ 1767 से 1799 में 1767 से 1799 में रणजीत सिंह के उदय तक समस्त पंजाब अलग अलग मिसलों में बटा हुआ था। रणजीत सिंह के उदय तक समस्त पंजाब का क्षेत्र अलग अलग मिसलों में बटा हुआ था। तो 1767 से 1799 में रणजीत सिंह के उदय तक समस्त पंजाब का क्षेत्र अलग अलग मिसलों में बटा हुआ था। पंजाब में प्रमुख मिसलें कौन कौन सी थी, मतलब कौन कौन से प्रांत थे प्रमुख, उनके बारे में हम देखते हैं छात्रों की प्रमुख मिसलें कौन कौन सी थी। प्रमुख मिसलों में फैजलपुरिया आहूवालिया
किया, आहुवालिया, भगिया, फुलकिया, फुलकिया, शुकर चकिया, शुकर चकिया, फुलकिया, शुकर चकिया, खुक्कर, कन्हैया, खुक्कर, कन्हैया, भांगी, कन्हैया, कन्हैया, भांगी, भांगी, रामगढ़िया, रामगढ़िया, राम गढ़िया, नकी, शहीद, नकी, शहीद, नकी, शहीद, करोड़ खीदिया, करोड़ खीदिया, करोड़ खीदिया, करोड़ खीदिया, निशान वालिया, निशान वालिया, निशान वालिया। तो छात्रों, जो ये पंजाब के अंदर जो प्रमुख मिसलें थी, वो मिसलें कौन कौन सी थी उनके बारे में देखते हैं छात्रों की। फैजलपुरिया, आहूवालिया, भकिया, फुलकिया, सुपरचकिया, खुक्कर, कन्हैया, भांगी, रामगढ़िया, सईद, नकी, करोड़ खीदिया, निशान वालिया। तो इस प्रकार की जो मिसलें अर्थात इस प्रकार की जो क्षेत्र थे, इन पर अलग अलग जो शासक राज्य कर रहे थे, अर्थात छोटे छोटे भागों के अंदर जो पंजाब बटा हुआ था। परंतु महाराजा रणजीत सिंह जब शासक बने तो इन्होंने क्या किया कि रणजीत सिंह ने सभी मिसलियों को एक करके विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को एक करके, सभी मिसलों को एक करके, सभी मिसलों को एक करके विशाल सिख साम्राज्य की, सिख साम्राज्य की स्थापना की, सिख साम्राज्य की स्थापना की, विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। तो छात्रों, जो पंजाब की राजनीति में 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में सिख शक्ति का उदय हुआ, और इसके अंतर्गत 1767 से 1799 में रणजीत सिंह का जो उदय हो रहा है, तो उनके उदय तक जो पंजाब के अंदर, पंजाब का जो क्षेत्र है वो अलग अलग मिसलों के अंदर बटा हुआ है। और ये मिसलें कौन कौन सी है छात्रों? ये है करोड़ खीदिया, निशान वालिया, नकी, शहीद, रामगढ़िया, भांगी, कन्हैया, खुक्कर, सुपरचकिया, फुलकिया, भकिया, आहूवालिया, फैजलपुरिया। तो इस प्रकार से छात्रों, ये जो क्या है कि प्रमुख जो मिसलें थी छात्रों, रणजीत सिंह ने ये जो सभी मिसलें हैं इन मिसलों पर अधिकार किया और एक विशाल सिख साम्राज्य की इन्होंने जो स्थापना की। तो छात्रों, इस प्रकार से जो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है महाराजा रणजीत सिंह को जाता है। महाराजा रणजीत सिंह सिख जो सिख साम्राज्य थे उसके सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो शासकों, तो छात्रों, तो रणजीत सिंह द्वारा जो इस विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की छात्रों, अब हम जो रणजीत सिंह के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं कि रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, वो शासक कब बने, शिक्षा का उनका प्रबंध कैसा रहा, और
उन्होंने किन किन जो उन्होंने जो अपने साम्राज्य की जो विस्तार किया वो किस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों रणजीत सिंह के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सर छात्रों हम देखते हैं जो रणजीत सिंह का जन्म, तो छात्रों देखते हैं कि रणजीत सिंह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रणजीत सिंह तो छात्रों जन्म 13 नवंबर 1780, जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी, जन्म कब हुआ 13 नवंबर 1780 ईस्वी। पिता महासिंह, पिता का क्या नाम था महासिंह, और उनके पिता काम के जो शासक थे सुकर चकिया मिसल के, सुकर चकिया मिसल के नेता, तो सुकर चकिया मिसल के क्या थे नेता थे, अर्थात जो सुकर चकिया मिसल थी उसको किसकी किसके कंट्रोल में थी, किसके अंडर में थी, महासिंह के पास में वो थी। माता जो महाराजा रणजीत सिंह की माता का नाम माता राजकौर, माता कौन थी राजकौर थी किसकी, रणजीत सिंह की माता का नाम जो राजकौर था। शिक्षा का उचित प्रबंध न होने के कारण शिक्षा का उचित प्रबंध न होने के कारण रणजीत सिंह अनपढ़ ही रह गए, अनपढ़ ही रह गए। सैनिक शिक्षा घुड़सवारी तीर चलाने में निपुण, सैनिक शिक्षा घुड़सवारी सैनिक शिक्षा घुड़सवारी तलवार चलाने में निपुण, तलवार चलाने में निपुण, तलवार चलाने में निपुण। छात्रों विवाह जो इनका विवाह हुआ, विवाह महताब कौर, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था महताब कौर, जो इनकी पत्नी का नाम था किसकी पत्नी का नाम महाराजा रणजीत सिंह की जो पत्नी उनका नाम था महताब कौर। 16 वर्ष की आयु में विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ, 16 वर्ष की आयु में विवाह, 16 वर्ष की आयु में विवाह। राज तिलक 1792 ईस्वी
1792 ईस्वी मात्र 12 वर्ष की आयु में, मात्र 12 वर्ष की आयु में, तो विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ छात्रों? मात्र 12 वर्ष की आयु में हुआ 1792 ईस्वी के अंदर। अब छात्रों जो रणजीत सिंह है, रणजीत सिंह का जन्म कब होता है? रणजीत सिंह इनका जन्म है 13 नवंबर 1780 ईस्वी को और इनके पिता का नाम है महा सिंह। महा सिंह कहाँ के शासक थे? सुकर चकिया जो मिसल है वहाँ के ये नेता थे, वहाँ के ये शासक थे। माता जो इनकी माता है रणजीत सिंह जी की, तो इनकी माता का क्या नाम था? राजकौर था। तथा शिक्षा, शिक्षा का उचित प्रबंध न होने के कारण रणजीत सिंह अनपढ़ ही रह गए, परंतु इन्हें सैनिक शिक्षा का ज्ञान था और घुड़सवारी करना, तलवार चलाने में ये अत्यंत ही जो निपुण थे। 16 वर्ष की आयु के अंदर जो रणजीत सिंह इनका विवाह होता है मेहताब कौर नाम की कन्या के साथ में, तो रणजीत सिंह की जो पत्नी है इनका क्या नाम था छात्रों? मेहताब कौर था। राज तिलक 1792 ईस्वी के अंदर मात्र 12 वर्ष की आयु के अंदर इनका क्या होता है? राज तिलक होता है। छात्रों अब हम देखते हैं रणजीत सिंह का विजय अभियान। रणजीत सिंह का विजय अभियान, विजय अभियान, विजय अभियान। 17 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह को अपनी माता राजकौर बहन, 17 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह को अपनी माता राजकौर व सास राजकौर व सास सदाकौर की सुरक्षितता से सदाकौर की सुरक्षितता से मुक्ति मिली। सत्रह वर्ष की आयु में रणजीत सिंह को अपनी माता राजकौर व सास सदाकौर की सुरक्षितता से मुक्ति मिली। रणजीत सिंह ने अब साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया। रणजीत सिंह ने अब अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया। साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया। रणजीत सिंह ने अब अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया। लाहौर पर विजय, लाहौर पर विजय, लाहौर पर विजय। तो छात्रों 1798 में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक, अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने, जमान शाह अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर पर विजय प्राप्त की, परंतु वापस जाते समय और लाहौर पर विजय प्राप्त की
लाहौर पर विजय प्राप्त की, परंतु वापस जाते समय जमाल साहब की तोपें झेलम नदी में फंस गई। जमाल साहब की तोपें झेलम नदी में फंस गई। रणजीत सिंह ने इन तोपों को निकलवाया और जमाल शाह के पास भेजा। जमाल शाह के पास भेजा जमाल शाह के पास भेजा जमाल शाह ने प्रसन्न होकर लाहौर प्रसन्न होकर रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। जमाल शाह ने प्रसन्न होकर रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। तो छात्रों, जो 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान का शासक था जमान शाह, तो जमान शाह ने क्या किया कि पंजाब पर आक्रमण किया। किसने किया? जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर पर विजय प्राप्त की, परंतु वापस जाते समय जमान शाह कौन था छात्रों? जमान शाह की तोपें झेलम नदी में फंस गई और रणजीत सिंह ने इन तोपों को निकलवाया और निकलवा के किसके पास में भेज दिया? जमान शाह के पास में भेज दिया। जमान शाह ने प्रसन्न होकर रणजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करके लाहौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये रणजीत सिंह है, इसने क्या किया कि अपना विजय अभियान प्रारंभ जो रखा। छात्रों, जो विजय अभियान है उसके अंतर्गत जो अगली जो उनकी विजय है उनके बारे में चर्चा करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा महाराजा रणजीत सिंह द्वारा छात्रों, यहाँ पर क्या है कि रणजीत सिंह को जो उपाधि प्रदान की गई थी, किसकी उपाधि थी छात्रों? महाराजा नहीं, यहाँ पर राजा लिखेंगे, पर राजा की उपाधि प्रदान की गई। छात्रों, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा जम्मू
अकल गढ़ अकल गढ़ कांगड़ा गुजरात कांगड़ा गुजरात गुजरात चिन चिन गुजरात चिन्नत चिन्नत भंग चिन्नत भंग आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया आदि क्षेत्रों पर जो अधिकार कर लिया गया छात्रों अमृतसर पर विजय अमृतसर पर विजय अमृतसर पर विजय कब की 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर पर विजय प्राप्त की छात्रों लाहौर पर विजय प्राप्त करने के बाद में रणजीत सिंह ने अपना विजय अभियान जारी रखा और इसी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया कि जम्मू अकलगढ़ कांगड़ा गुजरात चिन्नत भंग आदि क्षेत्रों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और 1805 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या किया कि अमृतसर पर भी विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार से ये अपने साम्राज्य में वृद्धि करते रहे। छात्रों अब हम देखते हैं रणजीत सिंह और मराठा। छात्रों दक्षिणी भारत के अंदर मराठा शक्ति भी क्या कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर रही थी और रणजीत सिंह के समय के अंदर एक बार उन्हें जो मराठा शक्ति है वो क्या है कि जो प्रबल हो चुकी थी और महादजी सिंधिया के नेतृत्व के अंदर मराठा क्या कर रहे थे कि अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे। तो रणजीत सिंह व मराठा रणजीत सिंह व मराठा। छात्रों रणजीत सिंह में मराठा के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम महादजी सिंधिया ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। सर्वप्रथम महादजी मराठा सेना नायक मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। परंतु रणजीत सिंह ने सीमित संसाधनों के चलते सहायता देने से मना कर दिया। सीमित संसाधनों के चलते सहायता देने से मना कर दिया। 1805 में मराठा सेना नायक जसवंतराव होलकर अंग्रेजों से पराजित हो गया। 1805 में मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर अंग्रेजों से पराजित हो गया। अंग्रेजों से
पराजित हो गया। तब 1805 में मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर अंग्रेजों से पराजित हो गया। तब रणजीत सिंह से सहायता मांगने का प्रयत्न किया। रणजीत सिंह से सहायता मांगने का प्रयत्न किया। परंतु रणजीत सिंह ने सहायता देने से मना कर दिया। सहायता देने से कर दिया। तो छात्रों, जो रणजीत सिंह वे मराठों के जो संबंध है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों, इसमें हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो मराठा सेनापति था महादजी सिंधिया, तो मराठा सेनापति महादजी सिंधिया ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। परंतु जो रणजीत सिंह थे उन्होंने सीमित संसाधनों का हवाला देते हुए और सहायता देने से मना कर दिया कि हमारे पास में संसाधन नहीं है जो आपको हम सहायता प्रदान कर सकें। छात्रों, इसके बाद में जो छात्रों जसवंतराव जो होलकर है 1805 ईस्वी के अंदर जसवंतराव होलकर अंग्रेजों से पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद में जो महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगने का प्रयास करता है, परंतु महाराजा रणजीत सिंह इसे क्या है कि सहायता नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो अंग्रेजों से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इसे सहायता देने से मना कर दिया। छात्रों, सतलज प्रदेशों पर विजय, सतलज प्रदेशों पर विजय, जो महाराजा रणजीत सिंह है, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा सतलज नदी के जो प्रदेश है उन पर विजय प्राप्त की गई। तो कौन कौन से प्रदेश थे उनके बारे में हम देखते हैं। रणजीत सिंह द्वारा पटियाला जिंद नाभा अंबाला थानेश्वर मोलेर कोटला फरीदकोट नारायणगढ़ फिरोजपुर पर विजय प्राप्त की गई। विजय प्राप्त की गई। तो छात्रों, जो रणजीत सिंह ने अपना विजय अभियान जारी रखा और अपने विजय अभियान के तहत इन्होंने क्या किया कि पटियाला, जिंद, नाभा, अंबाला, थानेश्वर, मोलेर कोटला, फरीदकोट, नारायणगढ़, फिरोजपुर पर इन्होंने क्या किया, विजय प्राप्त की। छात्रों, अब जो हम देखते हैं अगली विजय जो इनकी, छात्रों, डोगरा व नेपाल से संबंध। डोगरा व नेपाल से संबंध। छात्रों, कांगड़ा में डोगरा शासक संसार चंद्र का राज्य था। कांगड़ा
में कांगड़ा का क्षेत्र, उसमें कांगड़ा में डोगरा शासक संसार चंद्र का राज्य था। संसार चंद्र का राज्य था कांगड़ा में, डोगरा शासक संसार चंद्र का राज्य था। जब गोरखा शासक अमर सिंह थापा ने कांगड़ा के किले को घेरा, जब गोरखा शासक अमर सिंह थापा ने कांगड़ा के किले को घेरा, कांगड़ा के किले को घेरा, उस समय संसार चंद्र ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। रणजीत सिंह से सहायता मांगी, रणजीत सिंह से सहायता मांगी। रणजीत सिंह को सहायता के बदले कांगड़ा का दुर्ग प्राप्त हुआ। रणजीत सिंह को सहायता के बदले कांगड़ा का दुर्ग प्राप्त हुआ। कांगड़ा का दुर्ग प्राप्त हुआ। 1837 में रणजीत सिंह के दरबार में 1837 में रणजीत सिंह के दरबार में नेपाल के शासक का दूत आया, जिसका भव्य स्वागत किया गया। तो छात्रों, डोगरा व नेपाल से संबंध के अंतर्गत जो कांगड़ा में डोगरा जो शासक, डोगरा वंश के शासक संसार चंद्र का राज्य था, कहाँ पर था? कांगड़ा के अंदर ये राज्य था। और जब गोरखा शासक अमर सिंह थापा ने, जब गोरखा शासक अमर सिंह थापा ने कांगड़ा के किले को घेरा, तो उस समय संसार चंद्र ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। तो संसार चंद्र था, उसने किससे सहायता मांगी? रणजीत सिंह से सहायता मांगी। रणजीत सिंह को सहायता के बदले कांगड़ा का दुर्ग प्राप्त हुआ। कौन सा दुर्ग प्राप्त हुआ? कांगड़ा का दुर्ग प्राप्त हुआ। 1837 में रणजीत सिंह के दरबार में नेपाल के शासक का दूत आया, जिसका रणजीत सिंह ने क्या किया? भव्य स्वागत किया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो रणजीत सिंह थे, तो रणजीत सिंह के जो डोगरा व नेपाल के शासकों से अच्छे संबंध थे। और जब नेपाल का जो दूत है वो रणजीत सिंह के दरबार में उपस्थित होता है, तो रणजीत सिंह उसका क्या करते हैं? भव्य स्वागत करते हैं। छात्रों, साथ ही जो रणजीत सिंह है, तो रणजीत सिंह ने क्या किया छात्रों की जो डोगरा में डोगरा शासक है, डोगरा शासक पे जब आक्रमण होता है, डोगरा शासक पे आक्रमण कौन करता है? डोगरा शासक पर जब आक्रमण होता है, तो किसका आक्रमण होता है? अमर सिंह थापा का जब आक्रमण होता है, तो ऐसे समय के अंदर जो महाराजा रणजीत सिंह है, तो महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं कि संसार चंद्र की सहायता मांगने पर उसे सहायता प्रदान करते हैं। और इसके बदले में रणजीत सिंह को कांगड़ा का जो किला प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से छात्रों, कांगड़े का जो किला है, कांगड़ा जो का किला भी जो रणजीत सिंह के साम्राज्य में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो रणजीत सिंह है, लगातार अपने साम्राज्य का जो विस्तार जो करते हैं। छात्रों, अब
जो रणजीत सिंह है, तो रणजीत सिंह क्या करते हैं छात्रों की कांगड़ा पर विजय प्राप्त करने के बाद में जो इनकी लद्दाख पर विजय जो ये करते हैं,